अक्सर आपने चलते फिरते या कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये लाइन जरूर सुनी होगी कि अगर आपका पढ़ने का नहीं और पढ़ाने का मन है तो भाई बीएड तो कर ही लो, बहुत बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बात ऐसी है कि लाइफ में हर किसी का सपना होता है कि हम सक्सेसफुल तो बने ही और साथ ही साथ वह काम करें जो हमें अच्छा लगता है। तो वाकई में अगर आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है तो बीएड के बारे में आई थिंक आपको जान लेना चाहिए। ये कोर्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी, व्हाट इज बीएड, बीएड कोर्स कैसे किया जाता है, बीएड कितने साल का होता है और इसको करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बीएड कोर्स की बात की जाए तो वाकई में ये बहुत पॉपुलर कोर्स है जिसको करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए तभी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह बीएड कोर्स क्या है और उसके बाद हम जानेंगे कि ये कोर्स कितने साल का होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन और ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को एक टीचर बनने के लिए तैयार किया जाता है जिससे कि आप स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं। तो वाकई में अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं और आपको पढ़ने के साथ पढ़ाना बहुत पसंद है और आगे चलकर आप टीचिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। यह कोर्स आप तभी कर सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो। तो आइए जानते हैं कि बीएड कोर्स के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी सब्जेक्ट से। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस में ये मार्क्स 55% हो सकते हैं और ये सब कॉलेज पे डिपेंड करता है। और इस कोर्स को, यानी कि बीएड कोर्स को करने के फायदे की बात की जाए तो बीएड कोर्स टीचर बनने के लिए बेस्ट है। बीएड कोर्स करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप दूसरों को शिक्षित कर सकते हैं और अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। बीएड कोर्स के बाद टीचिंग लाइन में आप करियर भी बना सकते हैं। और अब बात की जाए बीएड कोर्स के पूरी जानकारी की तो सबसे पहले 12th पास करें बीएड कोर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप एक स्कूल टीचर या एक कॉलेज प्रोफेसर बनने का सोच रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी। अब सवाल आता है कि 12th किस सब्जेक्ट से पास करें ताकि स्कूल में टीचर बन सके। पहला तो 10th के बाद आप वही सब्जेक्ट चूज करें जिसे आप एक टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 11th में साइंस सब्जेक्ट लेना होगा। इस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज करें और आपको 12th पास करना होगा। दूसरा है ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। एक स्कूल टीचर बनने के लिए, यानी कि बीएड करने के लिए, आपको ग्रेजुएशन करनी बहुत जरूरी होगी। ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में कीजिए जिस सब्जेक्ट से आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, इससे आपको फायदा होगा। ध्यान रखिए कि बिना ग्रेजुएशन के आप एक स्कूल टीचर की पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर सकते। और तीसरा है बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है अब आपको स्कूल टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ। तो बीएड कोर्स को आप प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और डिस्टेंस कॉलेज, यानी कि ओपन कॉलेज से भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि इग्नू। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट या ओपन कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस कम लगती है। तो इसी के साथ आपका टीचर बनने का सपना पूरा होगा बीएड के साथ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।